हाय गाइस, मैं हूँ अदनान हबीब। आप देख रहे हैं वेब गोल्ड। क्या आप सीख सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ? तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम नोटपैड में चलते हैं। अब हम आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ कल क्लोज किया था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हेडिंग, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। हेडिंग को लिखने के लिए एक स्पेशल कमांड है जिसे हम H1 कहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम H1। H1 ओपनिंग टैग एंड H1 क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा हेडिंग होगा। जैसे हम लिखते हैं अदनान इज द बेस्ट, हम इसको सेव करते हैं और अपने ग्रुप ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा हेडर पहला आ चुका है। H1 हेडर हमारे पास कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम इसको कॉपी करते हैं या हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ हम नॉर्मल टैग पैराग्राफ यहाँ इसको करते हैं H1, यहाँ हम इसको करते हैं H2, आप H4, H5, H6 भी कर सकते हैं। और इसके लिए फर्क क्या होगा ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। जैसे मैं अभी जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देखें H1 जो है वो सबसे बड़ा है और बोल्ड भी है, H2 उससे थोड़ा छोटा है, H3 उससे ज़्यादा छोटा, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है। इसी तरह आप H5, H4 या H5, H6 भी कर देंगे, ये नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा होगा हेडर। तो चलते हैं हम अपने पैराग्राफ की तरफ, चलते हैं नोट पैड में, यहाँ हम लिखते हैं पैराग्राफ। सबको हमको रिमूव करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं अदनान इज बेस्ट, अदनान इज बेस्ट ही इज कूल, ही इज कूल। तो ये दो पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये सेकंड पैराग्राफ। तो ये हम चल रहे हैं इसको देखते हैं क्रोम ब्राउजर में, यहाँ देखते हैं इसको सेव करते हैं। ओ ये क्या हुआ, ये तो एक ही लाइन में आ गया। हम तो इसको दो पैराग्राफ बनाना चाह रहे थे, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना होगा जिसे कहते हैं पी लेस देन ग्रेटर देन इनसाइड पी, पी फॉर पैराग्राफ। और अभी यहाँ पर भी पी, इसको सेव करते हैं और अपने क्रोम ब्राउजर में चलते हैं, यहाँ देखो इसको रिफ्रेश कर। ये देखिए हमारे दो पैराग्राफ बन गए, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ। ये था हमारा पैराग्राफ। अब ये देखें कि इस दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस कम हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा लाइन ब्रेक, मतलब इस लाइन से तोड़ कर हमें इसको निचली लाइन में लिखाना है। हम इसको यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसको ई को ख़त्म कर देंगे।
यहाँ हम एक स्पेशल टैग इस्तेमाल करेंगे जो दोनों से मुख्तलिफ होगा, मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होगा, सिर्फ एक ही टैग होगा जिसे हम कहते हैं, हम इसको बैक स्पेस ले जाते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे स्पेशल टैग जैसे कहते हैं BR स्पेस स्लैश ट्यून। नॉर्मल टैग में हम टैग से पहले स्लैश लगाते थे, यहाँ हम टैग्स के बाद स्लैश लगाएंगे। हम इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। जैसे हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट क्लोज हो गया है, टेक्स्ट क्लोज हो चुका है, ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ ओके हो गया। तो अब हम इसको जो आज हमने तीनों चीज़ें बनाई हैं, तीनों चीज़ों को मिलाकर हम एक प्रैक्टिस के लिए आपको बनाते हैं, धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे आपको। तो हम यहाँ लिखते हैं H1 H1 में हम लिखते हैं बेस्ट वेबसाइट, बेस्ट वेबसाइट, और यहाँ हम लिखते हैं पैराग्राफ। सेकेंड हेडिंग और यहाँ दोबारा से पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ। तो हम चलते हैं उसको सेव करते हैं और अपने क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ इसको ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज दैट साइट। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।